वेलकम टू आज क्या बनेगा। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम और मटर की घुगनी। आपने पहले आलू और मटर की घुगनी खाई होगी, लेकिन आज मैं कुछ अलग करने जा रही हूँ और बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने मशरूम को छोटा छोटा काट लिया है और काट कर इसे गर्म पानी में नमक डालकर धो लेंगे। मशरूम को वॉश करने के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो शो किया था जिसमें मैंने मटर मशरूम की ग्रेवी वाली सब्जी तैयार की थी, आप वहाँ से भी टिप्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पानी को बॉईल करने के बाद मशरूम डाला है और उसके अंदर एक चम्मच नमक डाल दिया है, और इससे यह होगा कि जो मशरूम के ऊपर की कवरिंग है वो क्लीन हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से इसके अंदर जो स्मेल आती है, एक अलग सी टिपिकल स्मेल होती है, वो भी निकल जाएगी, और ऐसा करते समय मशरूम पक भी जाती है। तो अब हमने लिया एक कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है बटर, आप घी ले लीजिए और घी के साथ ज़रा सा तेल भी डाल दीजिए। ऐसा करने से इसका जो जायका है वो काफ़ी बढ़ जाता है। घी के साथ साथ या बटर के साथ साथ आप ऑयल डालेंगे तो इसका जो बटर है वो जलेगा भी नहीं, और जो भुने हुए बटर का स्वाद है वो घुगनी को बहुत बढ़िया बनाता है। अब घुगनी में हम डालते हैं ज़ीरा। ज़ीरा अच्छा सारा डालिए, चटकाने के लिए छोड़ दीजिए। और इतने में हमने डाल दिए हैं 1 इंच लंबी अदरक के पतले पतले जुलियंस। ये जो अदरक भुनेगी ये बहुत ही बढ़िया लगती है और इस घुगनी को काफ़ी स्पाइसी बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिए हैं 3-4 बड़ी बड़ी मिर्चें जो काफ़ी तीखी हैं, और इनको काट करके डाल दिया है। मोटा मोटा ही काटिए, अगर कोई नहीं खाता हो तो वो साइड में कर दे, ऐसा ऑप्शन उसके पास अवेलेबल रहना ही चाहिए। इसीलिए हमने मटर के साइज़ की मिर्ची काट ली है। अच्छे से भूनिए, थोड़ी सी धांस उड़ेगी लेकिन स्वाद बढ़िया आएगा क्योंकि तेल में मिर्ची का फ्लेवर चला जाएगा। फिर हमने मटर को धो करके डाल दिया है और उस पर डाल दिया है नमक। मटर को काफ़ी अच्छे से बना लीजिए अगर मटर बड़े बड़े हैं। छोटे छोटे मीठे मीठे मटर हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन मैं यहाँ बड़े बड़े मटर यूज़ कर रही हूँ तो इसे ढक करके अच्छे से पकने दे रही हूँ। नमक की वजह से ये बहुत बढ़िया गल जाएंगे। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, मटर ऑलमोस्ट पक जाना चाहिए। अगर मटर अभी भी पका नहीं है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए ढक करके पकने देंगे तो ये बढ़िया से गल भी जाएगा, और एक बार ही स्टीम आ करके वापस चली जाएगी। इतने में तो बढ़िया से मटर का फ्लेवर भी मीठा मीठा हो जाएगा, जो कैरमलाइजेशन होना होता है वो हो जाएगा। अब हम डाल देंगे अपने साफ़ किए हुए मशरूम। मशरूम जितने बारीक काटना चाहे उतने बारीक काट सकते हैं, और मशरूम को डालने के बाद एक अच्छा सा मिक्स देंगे। मशरूम काफ़ी हद तक पक चुके हैं लेकिन इसमें तेल और मसाले जो हैं वो अभी नहीं पड़े हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मिर्ची और तेल का जो फ्लेवर है वो ऐड होना चाहिए। उसके लिए हम इसे पकने देंगे कुछ देर के लिए। अब घुगनी में कुछ मसाले हम डाल लेते हैं। वैसे तो घुगनी में ज़्यादातर हल्दी नहीं डालते, मैंने फिर भी 1/4 चम्मच हल्दी डाल दी है। साथ ही साथ डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, वो भी 1/4 चम्मच ही डाला है क्योंकि मैंने हरी मिर्च काफ़ी ज़्यादा ले ली है, तो इसीलिए काली मिर्च भी 1/4 चम्मच ही डालेंगे। ज़्यादा तीखा खाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिर्च काफ़ी तीखी है हरे वाली। अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा तीखी ना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग मिर्च का टेस्ट जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप नमक भी चेक कर लीजिए, अगर नमक कम लग रहा है तो और डाल लीजिए। फिर से इन्हें ढक करके छोड़ देंगे, मसालों को पूरी तरह से पकने देंगे। एक बार फिर से स्टीम में ये अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, मटर गल गया है, मशरूम पका है या नहीं, तो नीचे का सब ऊपर और ऊपर का नीचे करके देख लेते हैं। मशरूम थोड़ा चंकी ही है और चंकी रहता ही है, ये एकदम से टूटता नहीं है, लेकिन जो मटर है वो बहुत बढ़िया से गल गए हैं। अब हम इसको अदरक को भी देख लेते हैं। अगर अदरक आराम से टूट गई है तो मतलब ज़्यादा पक गया है, लेकिन अगर अदरक धीरे से टूट रही है और मुश्किल हो रहा है तो यानी कि ठीक ठीक क्रंची बना है। ये तो बहुत ही पतला सा अदरक है तो बहुत आराम से कट रहा है, मतलब कि हमारी जो घुगनी है वो रेडी हो गई है। वैसे ट्रेडिशनली मटर और आलू की जो घुगनी है उसको आप पराठे के साथ खा सकते हैं, इसे भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको ये यूनिक सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।